दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्टेनो 2023 का आप लोग जो प्लान बना रहे हैं इस समय, उस प्लान में थोड़ा सा स्ट्रेटेजी इस बार थोड़ा चेंज कर दीजिए, और उसका रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसका इफेक्ट देखिएगा दोस्तों। इस बार एक थोड़ा सा स्टडी प्लान चेंज करना है केवल बच्चों, हम लोग थोड़ा सा इसका स्टडी प्लान चेंज करते हैं, जिससे कि 2023 में एक सेफ एंड सियोरिटी के साथ में हम लोग आगे बढ़े। जिन बच्चों का टारगेट 2023 ही है स्टेनो का, तो वो थोड़ा सा अपना स्टडी प्लान चेंज करें अपना, क्योंकि आजकल विंटर बहुत ज़्यादा है। सो कुछ राज्यों में हालात ये हो रहे हैं कि पढ़ने का बिल्कुल माहौल नहीं बन पा रहा है, जस्ट ड्यू टू विंटर ओनली। सो उसको थोड़ा सा चेंज करें प्लान को, और अपनी तैयारी को बेहतर करें। सो क्या कुछ करना होगा आपको उसके लिए कि हम लोग अपने बेहतर स्टडी को कर सके और सिलेक्शन भी हम लोग ले सके, तो क्या कुछ प्लान अपना तैयार करें आप लोग। बच्चे देखिए ध्यान से, अभी आपको यहाँ पर अभी ऐसे में सिर्फ आप लोग उन चीज़ों को ही ज़्यादा पढ़ें बेहतर तरह से, जिनमें आपका मन लगता है। यस, यानी कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपको क्या भाता है। यस, फिर देखना है आपको क्या आता है, और एग्ज़ाम क्या चाहता है, यानी कि आपके एग्ज़ाम में आ क्या क्या रहा है। अब आपको भाता तो मैथ है, लेकिन वो एग्ज़ाम में तो नहीं आता है ना। सो आपको क्या भाता है, क्या आता है, और एग्जाम क्या चाहता है, इन तीनों चीज़ों को फोकस करते हुए चलना है। आपको क्या भा रहा है सबसे ज़्यादा, आप ऐसे नहीं कि मतलब भाने से मतलब ये नहीं कि मतलब आप बिल्कुल और चीज़ों को नेगलेक्ट कर देंगे, लेकिन अभी जो चीज़ आपको भा रही है, लाइक आपको इंग्लिश पढ़ना पसंद है, तो आप अपना फिलहाल यहाँ पे इंग्लिश कंप्लीट कर लीजिएगा। इस दौरान ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे रीजनिंग बहुत पढ़ना पसंद है, तो आप रीजनिंग को पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि जीके जीएस पढ़ना बहुत पसंद है, तो जीके जीएस पढ़िए, लेकिन इन दोनों अपने पढ़ाई को बिल्कुल स्टॉप मत कीजिएगा। यस, अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हुए चलेंगे। कोई भी चीज़ आपको नेगलेक्ट नहीं करनी है, कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि चीज़ें ज़रूरी हैं सभी के सभी। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर आप लोगों को इस समय थोड़ा सा दिक्कत हो रही है पढ़ने में ठंड की वजह से, या फिर एग्जाम में भी बहुत दूर ऐसा लग रहा है, तो ये हल्का सा आपको खाया जा रहा है। 2021-22 वाले में भी यही बच्चों का खा गया था, बच्चों को लग रहा था एग्जाम तो अभी बहुत दूर है, क्योंकि एसएससी ने पहले बताया था कि एग्जाम अप्रैल में होगा, यानी कि लगभग कम से कम 1.5 साल बच्चों के पास था, तो बच्चे थोड़ा सा लापरवाही बरत गए। लेकिन उन्होंने एग्जाम एकदम से अपना करा लिया नवंबर में ही, 6 महीने का बच्चों को धोखा दे गए वो लोग। बच्चा यहाँ अवेयर नहीं था, तो यहाँ बच्चों को नुकसान हुआ। लेकिन इस बार हम लोग आपको साफ साफ अवेयर कर रहे हैं कि एग्जाम लगभग अगस्त के बाद ही होगा, यानी कि लगभग आपके पास में 8 से तो कम से कम ऊपर महीने हैं, ये ध्यान रखें। तो अपने आप को आप लोग अवेयर रखें, और अपनी तैयारी को बेहतर रखें अभी से ही। यहाँ आप लोग जितना बेहतर अपनी तैयारी रखेंगे, उतना बहतर आपका प्लान बना रहेगा। ये मत सोचिए कि 8 महीने तो बहुत है, अभी आराम से कर लूंगा। इस आराम से करने के चक्कर में ही आप लोग जो है हर बार मार खा जाते हैं। मैं लगातार देख रहा हूँ यूट्यूब पर, जब से मैं आया हूँ, कि बच्चों के अंदर जो है लीनियंसी थोड़ी सी कम रह रही है, उसको थोड़ा सा आप लोग इम्प्रूव करें और बेहतर करें। अब गए यहाँ पे हमें प्लान का चेंज करना है, जरा उसको समझे ध्यान से। मैंने आपको बताया सबसे पहले आप लोग वो चीज़ देखेंगे, आपको क्या चीज़ भा रही है, क्या चीज़ आ रही है, और एग्जाम में क्या आ रही है। इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी करें। और दूसरी बात बच्चों, जो चीज़ आपको 2022 में धोखा दे गई, लाइक आपने 2022 में देखा कि मैंने करंट अफेयर बहुत सारा पढ़ा, मेरा करंट अफेयर पढ़ा हुआ नहीं आया, साइंस में पढ़ ही नहीं पाया, और साइंस एग्जाम में बहुत सारी आ रखी थी, मतलब इससे कुछ भी आपको जो लग रहा है, आपको लग रहा है कि हिस्ट्री का ये पोर्शन, जीके का ये पोर्शन मेरा कमजोर था, मुझे मजबूत करना है, उन पोर्शन को अभी मजबूत कर लीजिएगा। चाहे भले उसके लिए आपको यूट्यूब पर किसी स्पेशल टीचर का सहारा लेना पड़े, या फिर आपको ऑफलाइन कोई कोचिंग लगानी पड़े, जीके को अपना ऐसा करिए कि कम से कम आपका ये 30+ पहुंच जाए आउट ऑफ 50। यस, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग तो हम लोग अपना आप आपको करा देंगे, उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इंग्लिश और रीजनिंग के लिए तो मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन स्टडी हमेशा बताता ही रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप लोग अपनी कमियों को जान लें। बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा हुआ 2022 में कि इंग्लिश में ही मार्क्स नहीं बन पाए उनके, 60 से ऊपर मार्क्स बन ही नहीं पाए उनके, 60 से ऊपर बड़ी मुश्किल से मार्क्स बन पाए हैं। बच्चे बोलेंगे सर करके सब गए थे, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आए हैं। देखिए उसके पीछे बच्चों बहुत बड़ा कारण क्या रहता है कि लास्ट के 2 या 3 महीनों में अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं पूरी बुक कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद में मैं एग्जाम देने चला जाऊँ, बच्चों बुक तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आप लोग रिविजन नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक रहा, वो रहा रिविजन। यस, रिविजन का समय आप लोगों को नहीं मिल पाया, उसमें गलती आपकी भी नहीं थी, क्योंकि एकदम से नोटिफिकेशन आया, एकदम से एग्जाम की डेट भी आ गई आपके सामने, तो उसमें आपका भी मिस्टेक नहीं था, फॉल्ट नहीं था। लेकिन अभी आप लोग अगर ऐसा करते हैं, तो ये आपका फॉल्ट होगा। अपना सिलेबस जो भी है आप लोग मार्च तक कंप्लीट करें, जो भी करना है, उसके बाद में आप लोग सिर्फ रिवीजन पे फोकस करें। यस, मॉक और रिवीजन देना है। जब मॉक पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे शुरू करना है मॉक, कैसे नहीं करना है,
किस तरह से क्वेश्चंस को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से नहीं अटेम्प्ट करना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने मॉक दौड़ा रखा है बस, किसी के कहने पर आकर के कोई भी मॉक मत लें। कोई आपको कह रहा है कि मेरा कोड लगाइए डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, किसी के कहने पर आके कोई मॉक ना लें। जब आप मॉक करना शुरू करें तो मुझे बताएं, बताऊंगा आपको कौन सा मॉक आपको लेना चाहिए स्टेनो के रिगार्डिंग। देखिए स्टेनो अपना एक अलग तरह का एग्जाम है, ये एसएससी के और एग्जाम से बिल्कुल अलग है, इसलिए आपको इसके लिए प्लानिंग भी बिल्कुल अलग ही बनानी होगी। सीजीएल वाली प्लानिंग यहाँ काम नहीं करेगी, सीपीओ वाली प्लानिंग यहाँ काम नहीं करेगी, आप बिल्कुल अपनी अलग प्लानिंग बनाइए। किसी के भी कहकाव में आकर के कोई भी आप लोग मॉक मत लीजिए करें कभी भी। फिर क्या होता है बच्चों, आपका रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता है, फिर आप लोग बाधा फंसाते रहते हैं। यस, मॉक को करना कैसे है और लेना कौन सा है मैं आपको बता दूंगा। कोई कोड वगैरह आपको कहीं से मिलता हो तो लगा लीजिएगा, मेरा कोई अपना कोड नहीं है बच्चों। यस, ये सिर्फ आपके प्रॉफिट के लिए है। ओके दोस्तों, सो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी थोड़ा सा चेंज करना होगा आपको अभी, ये फिलहाल इस मंथ के लिए, जनवरी के लिए, और बेहतरीन तरह से स्टडी कीजिए अपना। यस गाइस, यहाँ एक चीज़ और बच्चों के अंदर मैं कमी देख रहा हूँ, जो बहुत बड़ी कमी बच्चों के अंदर निकल के आ रही है। सबसे बड़ी कमी मुझे लग रहा है बच्चों की यही एग्ज़ाम के प्रति, जिसकी वजह से बच्चे एग्ज़ाम में अपनी ढिलाई बरत रहे हैं। इस कमी को भी आपको अपनी दूर करना होगा। ये कमी है बच्चों आप लोगों की, सिलेबस का पूरा ना कर पाना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि रीजनिंग के कुछ चैप्टर करें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट से, बाकी जब लास्ट में टॉपिक बात पहुंचती है लाइक वर्बल या नॉन वर्बल पर जब बात पहुंचती है, तो बच्चा सोचता है कि चलो स्किप करते हैं इनको, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन को डायरेक्ट वहीं करेंगे। लेकिन बच्चों जब प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर आपके पास में सभी तरह के क्वेश्चन नहीं पहुँच पाते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आए होंगे जिनको आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है बच्चों कि आप सिलेबस अपना कंप्लीट करें, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो रीजनिंग। हालांकि जीके का तो कोई सिलेबस है ही नहीं, जितना मर्जी कर लो उतना कम है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सिलेबस पूरा कंप्लीट करें। सिलेबस से मतलब पहले अपना बेसिक पूरा अच्छे से मजबूत कर लें, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो चाहे वो रीजनिंग का बेसिक। यस, ये आप किसी भी अच्छे टीचर से, जिससे भी आप लेना चाहें, आप हमारा भी ले सकते हैं या किसी से भी ले सकते हैं जिसका भी आपको मन कर रहा हो। यस, इसके लिए कोई बंदिश आपके ऊपर नहीं है कि आप हमसे ही कोर्स बाय करें, जिससे भी आप बाय करना चाहें उससे आप लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन अपना बेसिक बहुत अच्छे से मजबूत करें जो कि आपके आने वाले टाइम में जाकर के काम आएगा। यस गाइस, तो ये सब चीज़ें आपको अपने अंदर इंप्रूव करनी होगी, अपने अंदर लानी होगी, तभी जाकर के आप अपने एग्जाम्स के प्रति सिलेक्शन की उम्मीद ला सकते हैं बच्चों। यस, सिलेक्शन ये ध्यान रखें बच्चों, एक दिन में नहीं हुआ करता है लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये भी ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट सभी को। लगे तैयारियों में कोई भी दिशा निर्देश आपको चाहिए हो, कुछ भी जानकारी चाहिए हो, आप हमें व्हाट्सअप किया करें, ओनली कॉल बिल्कुल ना किया करें बच्चों, फिर आपका कॉल नहीं रिसीव हो पाएगा, आप लोग हमको बोलेंगे। ओके दोस्तों, फिलहाल चलते हैं, लेते आपसे विदा, बाय, हैव अ नाइस डे।